इस वक्त हम लोग सिकंदरा राव में ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां पर हादसे में अब तक की जानकारी के मुताबिक, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 107 लोगों की जान चली गई, जिसमें महिलाएं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। हमारे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए अभी भी यहां पर आपको चप्पलें वगैरह दिख जाएंगी आप जो गिरी हुई हैं। और आप ये बताइए क्या नाम है आपका? विवेक। विवेक कहां पर थे आप और क्या देखा आपने? बाबा जा रहे थे, निकल के वो आए। बाबा किधर से निकल गया? बाबा उधर से आए थे, ठीक है। वो इधर आए थे, पैर है वगैरह छूने के लिए चले, बाकी गिरी बाइकों के ऊपर गिरते चले गए। तो उस वक्त क्या बारिश हो रही थी? और इतनी इतना ज्यादा तो ये गड्ढा नहीं है कि इसमें गिरते चलेगा और कोई बचाने वाला नहीं था? भीड़ कुछ ज्यादा ही काफी थी, पीछे से आई, पीछे से इतनी भीड़ आएगी धक्का लगते कोई नहीं रुक पाता। तो वैसे हो रही है, रपटन हो रही है, गिर जाते नहीं बच पाए। ठीक है, सब लोग इधर गिर गए। कितनी संख्या में लोग रहे होंगे? संख्या में तो बहुत ज्यादा लोग। आप कहाँ थे? मैं तो इधर ही था। आपने देखा तो उस वक्त यहाँ पे कोई एम्बुलेंस, कोई फायर ब्रिगेड? एम्बुलेंस तो थी, खड़ी थी, एम्बुलेंस में खड़ी थी, लोगों ने देखी, उठा उठा के ला रहे, एम्बुलेंस में ले लेके जा रहे। बाकी की प्राइवेट जो भी गाड़ी निकल रही उन लोगों से भी बोला, वो भी ले लेके गए थे, काफी लोग ले लेके। तो बाबा निकल गए थे जब ये हादसा हुआ या फिर बाबा निकल रहे थे जब आए थे? तो फिर वो रुके नहीं हादसा देख के? बाबा इतनी भीड़ काफी थी, बाबा चली चली गई। उन्हें आपको जैसे आपने जो देखा कि जब वो निकल रहे थे उस वक्त हादसा शुरू उनके सामने हुआ या फिर उनके जाने के बाद? बाबा जैसे निकले थे तैसे ये लोग पैर वगैरह छूने या वैसे ही बोलते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। अच्छा, बारिश हो रही थी? बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन ये कीचड़ था या नहीं था? जैसे हम जहाँ पर खड़े हैं ये काफी स्लिपरी एरिया, पीने वगैरह के लिए वैसे बोतल वगैरह के लिए उनसे की जैसे ये आगे खड़ा है और भी आगे इधर उधर खड़ी काफी, उसकी वजह से ये बारिश तो अभी हुई। बारिश तो अभी दिन में नहीं थी? नहीं, दिन में इतना स्लिपरी नहीं था इतना। तो आप ये देखिए अभी भी यहाँ पर कई सारे चप्पल जूते मिल जाएंगे। सामने आप देख सकते हैं इस दोनों तरफ जो रोड है, मेन रोड है, ये मेन रोड के दोनों तरफ आपको पंडाल दिख जाएंगे, ये सामने का आप देख सकते हैं। और नीचे हम कोशिश करेंगे, हालांकि ये जो पूरा इलाका है ये बहुत ज्यादा स्लिपरी हो चुका है, इस पे चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। इतने में सवाल उठता है कि जो लोग थे वो जब तक बचा पाते, बता रहे थे जो हमारे साथ विवेक मौजूद थे यहाँ पे कि प्राइवेट गाड़ियों को भी रोका गया और जो लोग यहाँ पर गिर गए थे उन सबको उठाया गया। आप ये देखिए जो पूरा इलाका है, मैं नीचे और जाकर के दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये आप देखिए ये पूरा इलाका बहुत स्लिपरी है और ये जो है ये खेत है और पानी की वजह से अब यहाँ पर और ज्यादा फिसलने की संभावना है। तो बताया जा रहा है कि जब बाबा सामने की तरफ से आते हैं और उधर से जब वो आए, जब दूसरी तरफ जो पंडाल लगा हुआ है, तो एकदम से भीड़ एकदम आती है भक्तों की और उन्होंने कोशिश किया कि यहाँ पर वो किसी तरीके से पैर छू सकें, किसी तरीके से बाबा के करीब जा सकें, किसी तरीके से उनके पीछे की जहाँ पर जहाँ से उनकी गाड़ी गुजरी है या गुजरे हैं वहां से कुछ धूल उठा सके। और उसी भगदड़ में लोग नीचे की तरफ गिरते चले आए क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और भीड़ के दबाव की वजह से लोग एक बार जो गिरते चले गए तो जो लोग नीचे दब गए वो उन्हें बचाया नहीं जा सका क्योंकि जब तक लोग ऊपर से हटाते लोगों को तब तक नीचे जो दबे थे देर हो गई थी और 4 बजे के करीब घायल जो है वो हॉस्पिटल पहुंचने लगे 3:30 से 4 बजे के आसपास, जबकि ये हादसा 1:30 बजे के आसपास का है, यानी तकरीबन 2 घंटे लग गए हॉस्पिटल पहुंचने में। और शायद ये सारी वजह रही कि 107 लोगों ने दम तोड़ दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है कि लापरवाही कहां हुई, किस स्तर पे हुई, प्रशासनिक स्तर पे हुई, ऑर्गेनाइजर जो लोग थे उनके स्तर पे हुई, हर तरीके से पूरे मामले की जाँच की जा रही है। और जो कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।